हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, अभी तक हम दो एंजाइम्स कर चुके हैं डिटेल में। पहला लाइसिंग एंजाइम्स, दूसरा न्यूक्लियेजेस, जिसमें एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस हमने दोनों देखे। अब हम मेनली एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वही हमारे काम के एंजाइम्स हैं। तो देखो बच्चों, लाइसिंग एंजाइम का हमने देख लिया कि लाइसिंग एंजाइम क्या करता है। मान लो एक सेल है, उस सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मटेरियल पड़ा हुआ है, उस डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लाइसिंग एंजाइम की। लाइसिंग एंजाइम क्या करता था, ऊपर के मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देता था, जिससे हमारा डीएनए आइसोलेट हो जाता था। तो ये हो गया हमारा डीएनए आइसोलेट। अब बच्चों, डीएनए आइसोलेट होने के बाद हम एंडोन्यूक्लियस अप्लाई करते थे। एंडोन्यूक्लियस क्या करता था, एंडोन्यूक्लियस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से कट लगा देता था, जिसको हम बोलते थे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और कट लगाने के बाद ये हमारा आ गया डिजायर्ड जीन। ये आ गया बच्चों हमारा डिजायर्ड जीन। अब मैं एक ही स्ट्रैंड को लेके बात करूंगा बच्चों। तो आपको पता है 5' और 3' आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मान लीजिए इसका एक एंड हम ले लेते हैं, दिस इज 5', दिस इज 3'। जो 5' होता है बच्चों, उस पर फास्फोरस ग्रुप होता है, और 3' पे रहता है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हो गया हमारा डिज़ायर्ड जीन। बच्चों, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिस एंडोन्यूक्लियस से आप डीएनए के ऊपर कट लगाओगे, सेम एंडोन्यूक्लियस आपको अप्लाई करना है वैक्टर के ऊपर। तो हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कुलर वेक्टर है, अब मैंने क्या बोला कि जिस एंडोन्यूक्लियस से आपने इस डीएनए के ऊपर कट लगाया है, उसी एंडोन्यूक्लियस से हमें कट लगवाना है वेक्टर के ऊपर। सो सेम एंडोन्यूक्लियस हम यूज करेंगे, सेम एंडोन्यूक्लियस से हम यहाँ पे कट लगवा देंगे। तो जैसे ही कट लगेगा तो दो एंड अलग हो जाएंगे इसके। अब ये कुछ ऐसा हो गया, इसके भी एक तरफ 5' पे फास्फोरस ग्रुप रहेगा, 3' पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा। अब बच्चों, एक प्रॉब्लम है। देखो, हमें क्या करना है, हमें इस डिजायर्ड जीन को इस वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 5' और 3', ये आपस में रीअटैच हो सकते हैं, क्योंकि जब हम एंडोन्यूक्लियस से कट लगाते हैं तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं, और स्टिकी एंड वापस अटैच हो सकते हैं। दूसरा, फास्फोरस और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अटैच होने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। तो हमें इस सिचुएशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि जब तक हम, हो सकता है डिज़ायर्ड जीन को इसके पास लेके जाएँ, तब तक ये दोनों जो कट हुआ है ये फिर से अटैच हो जाए और फिर से सर्कुलर बन जाए। तो हमें इसको अटैच नहीं होने देना है। तो हम इसको अटैच होने से रोकने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक एंजाइम यूज़ करेंगे। उस एंजाइम का नाम है, अब देखो बच्चों, दो एंजाइम कर चुके हैं, लाइसिंग और एंडोन्यूक्लियस, अब तीसरा एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलिन फॉस्फेटेज का काम होता है बच्चों, ये फास्फोरस को रिमूव कर देता है, कहाँ से, 5' एंड से। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये क्या करेगा, इस फास्फोरस को रिमूव कर देगा, और ये फास्फोरस जैसे ही रिमूव हो जाएगा तो अपना जो वेक्टर था वो एक लीनियर वेक्टर बन जाएगा ऐसे। अब
फाइव प्राइम पे जो फास्फोरस था वो तो रिमूव हो चुका है, थ्री प्राइम पे हमारा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस डिजायर्ड जीन को लेके आएंगे इसके पास में सॉल्यूशन में और नेक्स्ट एंजाइम इनकॉर्पोरेट करेंगे। नेक्स्ट एंजाइम रहेगा हमारा फोर्थ एंजाइम जिसको हम बोलते हैं लाइगेज। बच्चों लाइगेज की खास बात होती है, लाइगेज फास्फोरस और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देता है। तो देखिए ये हो गया हमारा डिजायर्ड जीन जिसके फाइव प्राइम पे है फास्फोरस ग्रुप और थ्री प्राइम पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अब क्या होगा, जैसे ही लाइगेज हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, देखो बच्चों लाइगेज की खास बात होती है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फास्फोरस ग्रुप को जहाँ भी मिलेगा उनको अटैच कर देता है और उनके बीच में एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देता है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करवा देता है। तो इनके बीच में अब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गई तो ये अटैच हो गया सिरा। अब क्या करना है हमें, अब हम नेक्स्ट एंजाइम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने एल्कलिन फॉस्फेटेज यूज़ किया जिसने क्या किया, इस फास्फोरस ग्रुप को रिमूव कर दिया ताकि ये दोनों किस दोनों सिरे आपस में अटैच ना हो जाएं। अब फास्फोरस ग्रुप रिमूव करने के बाद हमने नेक्स्ट एंजाइम डाला लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा, जो डिजायर्ड जीन था और जो वैक्टर था उनके बीच में बॉन्ड बना देगा, फॉस्फोरस और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करता है। लाइगेज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये फॉस्फोरस और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करने की इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो इनके बीच में अटैचमेंट होगी है। अब हम सबसे लास्ट एंजाइम अप्लाई करेंगे जिसका नाम है बच्चों फॉस्फोराइलेज। सो हियर इज द फिफ्थ एंजाइम फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज की प्रॉपर्टी होती है कि वो फाइव प्राइम एंड पे फॉस्फोरस ग्रुप को ऐड कर देता है, इट ऐड फॉस्फेट ग्रुप ऑन फाइव प्राइम एंड। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे फाइव प्राइम एंड कहाँ पे है, ये रहा, तो फॉस्फोराइलेज क्या करेगा, फाइव प्राइम एंड पे फॉस्फोरस ग्रुप को ऐड ऑन कर देगा। तो ये था हमारा डिजायर्ड जीन जो अटैच हो चुका है किसके साथ में, प्लाज्मिड के साथ में। ये इसका फाइव प्राइम एंड है और ये इसका थ्री प्राइम एंड है जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। मैंने बताया फॉस्फोराइलेज फाइव प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देगा, तो ये यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप कर दिया इसने ऐड। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तो इधर फॉस्फेट ग्रुप है इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये ऑटोमेटिकली भी अटैच हो जाते हैं, बट क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में लाइगेज अभी भी प्रेजेंट है, हमने पहले ही डाला था लाइगेज, और लाइगेज क्या करता है फॉस्फोरस को और हाइड्रोक्सिल को अटैच कर देता है, तो लाइगेज ऑलरेडी सॉल्यूशन में है तो ये फिर से अटैच हो जाएंगे। ये हो गया हमारा प्लाज्मिड जिसके फाइव प्राइम पे प्रेजेंट है फॉस्फोरस ग्रुप, और दूसरी तरफ हो गया हमारा डिजायर्ड जीन, और डिजायर्ड जीन के थ्री प्राइम पे प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये दोनों लाइगेज की प्रेजेंस में फिर से क्या हो जाएंगे, अटैच, और इस टाइप से ये एक कंप्लीट सर्कुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। तो यहाँ पे क्या है इसके अंदर, दो चीज़ें हैं बच्चों, आप देखो आप हमारा प्लाज्मिड है जो कैरी कर रहा है किसको, डिजायर्ड जीन को, है ना, और प्लाज्मिड और डिजायर्ड जीन दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, इधर लिखता हूँ, इधर नीचे दिखेगा नहीं, ये लो ऐसे कर लेते हैं, प्लाज्मिड और डिजायर्ड जीन दोनों मिलके बन जाएंगे
रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो बच्चों इन दिस वे हम यूज करते हैं अलग अलग एंजाइम्स को। सबसे पहले आपने देखा हमने यूज किए लाइसिंग एंजाइम जिन्होंने डीएनए को अलग कर दिया, फिर हमने यूज़ किए एंडोन्यूक्लिएजेस जिन्होंने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से कट लगा के हमारे डिजायर्ड जीन को अलग करवा दिया, फिर सेम एंडोन्यूक्लिएज हमने अप्लाई किया वेक्टर के ऊपर, और जैसे ही उसने वहाँ पे कट किया तो मैंने बताया कि एक पॉसिबिलिटी है कि फिर से अनील हो सकता है, अटैच हो सकता है, ये अटैच ना हो, इसलिए हमने नेक्स्ट एंजाइम अप्लाई किया एल्कलिन फॉस्फेटेज। एल्कलिन फॉस्फेटेज ने क्या किया, इस फास्फोरस को रिमूव कर दिया। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि 5' एंड से फास्फोरस को रिमूव कर देता है। तो ये देखो, फिर हमने नेक्स्ट एंजाइम अप्लाई किया लाइगेज। लाइगेज का काम होता है बच्चों जोड़ने का, ये गम के जैसा है, गोंद के जैसा, ये जोड़ देता है फास्फोरस को और हाइड्रोक्सिल को, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जब इनकी अटैचमेंट होती है तो बॉन्ड बनती है, कौन सी, फोस्फो डाईईस्टर बॉन्ड। तो ये डिजायर्ड जीन हो गया हमारा, इधर से वेक्टर हो गया जो एक लीनियर हो चुका है अब। तो डिजायर्ड जीन का 5', जिस पे फास्फोरस ग्रुप है, और वेक्टर का 3', जहाँ पे हाइड्रोक्सिल, ये अटैच हो जाएंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। अब उसके बाद में हमने अगला एंजाइम अप्लाई किया फॉस्फोराइलेज, जिसने 5' पे फॉस्फोरस ग्रुप ऐड कर दिया। उसके बाद ये हो गया हमारा कुछ ऐसा, 5' पे फॉस्फोरस ग्रुप अटैच होने के बाद में हमारे मीडियम में लाइगेज था, और लाइगेज के कारण ये क्या हो गया, ये देखिए, ये सर्कुलर डीएनए बन गया जिसमें प्लाज्मिड और डिजायर्ड जीन दोनों है हमारे, और ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो इन दिस वे बच्चों हम तैयार करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। अब बच्चों मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मैं पहले बोर्ड पर शूट करता था वीडियो, और अब ये मैंने एक पेज पे शूट किया है, तो आपको कौन सा बेटर समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं अलग अलग तरह के कलर यूज़ कर सकता हूँ अलग अलग कंपोनेंट्स को शो करने के लिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन से वाला लेक्चर ज़्यादा बेटर लगा, बोर्ड वाला या पेज वाला। थैंक यू सो मच।